सांस्कृतिक विविधताओं के देश भारत की पहचान यहाँ के विभिन्न पारंपरिक खाद्य पदार्थों से भी होती है। इनमें से एक है स्वादिष्ट मीठी गजक, जिसे गुड़ और तिल से तैयार किया जाता है। आमतौर पर गजक सभी आयु वर्ग के लोगों द्वारा पसंद की जाती है। मेडिसिनल शुगर के नाम से चर्चित गुड़ और इससे बने उत्पादों के निर्यात में भारत हमेशा से अग्रणी रहा है। गुड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के साथ ही तिल के उत्पादन के मामले में भी हमारा देश पहले स्थान पर है और इसे अमूमन सभी एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में उगाया जाता है। गजक की लोकप्रियता और स्वास्थ्य वर्धक गुणों ने इसके जायके को उत्तर भारत से लेकर विदेशों तक पहुंचा दिया है। गजक के कारोबार में हो रहे नित नए प्रयोगों की बदौलत चॉकलेट फ्लेवर गजक, ड्राई फ्रूट गजक, गुड़ की गजक, तिल पपड़ी समेत बाजार में लगभग 25 से 30 वैरायटी की गजक उपलब्ध है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में लोकप्रिय हो चुकी गजक को बनाने से लेकर इसके व्यवसाय से जुड़ी पूर्ण जानकारी आपको उद्यमी के इस वीडियो में मिलेगी। गजक तैयार करने के लिए कच्चे माल के तौर पर तिल, गुड़, शुद्ध घी और ड्राई फ्रूट का उपयोग किया जाता है। अब आपको बताते हैं किस तरह से तैयार होती है स्वादिष्ट गजक। सबसे पहले गर्म कड़ाही में तिल डाला जाता है और मध्यम आंच पर हल्के से फूलने और रंग बदलने तक लगातार चलाते हुए इसे भून लिया जाता है। भुने तिल को निकालकर अलग रखकर दूसरी कड़ाही में थोड़ा सा घी डाला जाता है। घी के पिघलने पर इसमें बारीक तोड़ा हुआ गुड़ डालकर धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे गुड़ का पेस्ट बन जाता है। आपको इसे थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहना है। आँच धीमी रखनी है, जिससे गुड़ जले ना। जब तक ये खिंचने ना लगे तब तक इसे पकाया जाता है। इसके बाद भुना हुआ तिल डालकर मिलाया जाता है। पेस्ट बहुत टाइट होने के कारण तिल मिलाने में थोड़ी मेहनत लगती है, इसलिए इसे लकड़ी के हथौड़े से पीटा भी जाता है, जिसके बाद ये शेप में आ जाता है। अब थोड़ा सा घी लगाकर इसे चिकना करके इसे काट लिया जाता है और ऐसे आपकी स्वादिष्ट गजक तैयार हो जाती है। इसमें ड्राई फ्रूट लगाकर इसके स्वाद को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद पैकेजिंग करके इसे सप्लाई कर दिया जाता है। गजक बनाने की पूरी विधि में 10 से 12 कारीगरों की आवश्यकता होती है। गजक व्यवसाय की शुरुआत आप लगभग 400 से 500 स्क्वायर फीट एरिया में कर सकते हैं। 200 किलोग्राम प्रतिदिन के कैपेसिटी के मैनुअल प्रोडक्शन यूनिट को 7 से 10 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और 200 किलोग्राम प्रतिदिन रेटेड कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे प्लांट से लगभग 15 से 18% का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। गजक उद्योग शुरू करने के लिए कुछ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जैसे GST, उद्यम, FSSAI और फायर सेफ्टी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC लेना आवश्यक है। साथ ही साथ PMEGP योजना यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अपना व्यवसाय शुरू करने की कामना करने वाले युवाओं को निवेश में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए युवाओं को 10 से 25 लाख तक का ऋण दिया जाएगा, जिसमें 90% तक का निवेश सरकार द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। बाकी 10% रकम का निवेश खुद करना होगा। साथ ही इस योजना के तहत आपको वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। आपकी उद्यम यात्रा में सहायक उद्यमी के साथ मिलकर मिशन आत्मनिर्भर भारत की सफलता में अपना योगदान सुनिश्चित करिए। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को। बिजनेस से जुड़े हर तरह के सवालों के जवाब के लिए हमारे कॉल सेंटर में 7526-000-333 और 7526-000-555 पर आज ही कॉल करें। साथ ही डाउनलोड करें उद्यमी ऐप को। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in।